हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और चलिए, आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज आप लोग के साथ पास्ता रेसिपी लाई हूँ। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इसको 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए पास्ता, मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं, उसके बाद मेरे पास है ये प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन, अदरक, उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटो केचप और ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, ये चाट मसाला है और मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और ये मैं ले रही हूँ मैगी मसाला। मैगी मसाला मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है, आप इसको भी यूज़ करिएगा। तो चलिए पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कंटेनर में पानी डालकर उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। इसमें तकरीबन मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही साथ में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स होने दूंगी। इसको स्पून की हेल्प से मैं मिक्स कर दूंगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है पानी में, तो मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता। ये सारा पास्ता मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी ढककर। तो 8-10 मिनट तक इसे पकने देंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गल भी चुका है, देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। इसी वजह से मैंने इसमें स्टार्टिंग में ऑयल डाला था, तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं इस ऑयल डालने की वजह से। देखिए गल भी चुके हैं अच्छे से। तो अब इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन कर लूंगी। तो मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो था उसको ड्रेन कर लिया है और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल, मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको गर्म होने दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। तो इसमें तकरीबन मैं 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो ज़ीरा को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऑयल में। तो थोड़ा देर मैं ऑयल के साथ ज़ीरा को पकने दूँगी।
इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज। तो इसमें मैं प्याज भी ऐड कर देती हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने काटे थे सारे। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी मैं। इसमें 2 मिनट बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, तो 2 मिनट तक मैं इसे पकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और अदरक और लहसुन भी ऐड कर दे रही हूँ मैं इसमें। मैं पास्ता में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर उसका उतना अच्छा फ्लेवर और टेक्स्चर नहीं आता है पास्ता का। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप पास्ता बनाएं तो अदरक लहसुन को बारीक काट कर डालें, उसको उसका पेस्ट ना डालें, नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा आपका पास्ता। तो इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये गल नहीं जाते अच्छे से टमाटर। इसमें मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। तो मैं तकरीबन इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक। तब टमाटर जो है सारा गल जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स। आप रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, आपका जो मन हो आप वो डालें। तो तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स डाले हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। और 2 टेबलस्पून भर के मैं ऐड करूंगी इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तो मैंने मैगी मसाला भी डाल लिया है यहाँ पे। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमेटो केचप। तो फ्रेंड्स जब भी आप पास्ता बनाएं टमाटो केचप उसमें ज़रूर ऐड करें। तो मैं अभी यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके पास्ता में। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। मैंने पास्ता को अच्छे से ड्रेन कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, गैस को मैं लो फ्लेम पे कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले। फ्रेंड्स मैंने सारे पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, उसमें से बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करने जा रही हूँ अगेन टमाटो केचप। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा पास्ता बनकर रेडी है, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है आप जैसा कि देख सकते हैं। तो अब मैं इसको सर्व करूंगी, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा बनकर तैयार हुआ है पास्ता। तो फ्रेंड्स मैंने पास्ता को निकाल लिया है इस ट्रे में, आप देखिए पास्ता का टेक्स्चर और बहुत ही यम्मी है ये। प्लीज़ फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।